धनबाद के रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी, जो पहले सदर अस्पताल में थी, लेकिन आज से यहाँ पे ये नियम लगाया गया कि लोगों को वैक्सीन देने से पहले उनकी रैपिड जांच कराई जाएगी। ऐसे में यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनके अंदर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग लगातार कुछ ना कुछ कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, पंखे नहीं है, गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा है। काफी बुजुर्ग लोग यहाँ पे, कुछ लोग भी है हमारे साथ जो कुछ कहना चाहते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ समस्या है जिसकी वजह से उनके अंदर इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में पहले लोगों की कोविड जांच की जा रही है। आपको ठीक मैं दिखाना चाहूंगी, मेरे सामने आप देखिए लोगों का रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। करीब 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है, इसके बाद जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। ये प्रक्रिया जो है पहले डोज और दूसरे डोज दोनों ही लोगों के ऊपर ये लागू की जा रही है, ताकि सेफ्टी मेजर्स को भी यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और ये बातें भी कह दी गई कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव है तो उस बीच में वैक्सीन लेना सही नहीं है। इसे देखते हुए ये नए नियम आज से यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी के भवन में लगाए गए, जो एक कह सकते हैं कि एक काफी सही कदम उठाया गया। करीब आज 100 से ऊपर लोगों ने यहाँ पे अभी जांच टेस्ट कराया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ये जानते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं जी, बताइए। गर्मी में हम लोग एकदम परेशान है, कोई माने इतना गर्मी में पंखा का भी व्यवस्था नहीं है माने, और जो रैपिड टेस्ट कर रही थी औरत तो बेहोश हो गई गर्मी के कारण, जिसके चलते आधा घंटा एक घंटा काम रुका रहा है। इस तरह का व्यवस्था माने ठीक नहीं ना है, इतना गर्मी में एक पंखा का भी इंतजाम नहीं है, तो इस पर ध्यान दिया जाए, इसको माने जोर शोर से उठाया जाए कि लोगों को सहूलियत हो। एक प्रॉब्लम यह है कि बुजुर्ग लेकर के आए हैं तो कम से कम पानी वानी की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि उनको बैठने के लिए थोड़ा सुरक्षित जगह होनी चाहिए। अब कोई एक चेयर है, एक चेयर नहीं है, इसी धूप में गर्मी में बैठा के रखे हैं जी। गवर्नमेंट का जो कुछ कोई भी पॉलिसी आता है वो सडनली ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, जिससे जो हम जो पेशेंट हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको काफ़ी तकलीफ हो रहा है। जो सडनली जैसे फर्स्ट वैक्सीन जो लगा, सेकंड वैक्सीन के बारे में कुछ इंटीमेट करो किया जाए, थ्रू चैनल के माध्यम से ही कुछ इंटीमेशन दिया जाए, ताकि लोग जो है अपना प्रिपरेशन के साथ में आए। यहाँ आने के बाद मैं आया करीब 11 बजे आया, 11 बजे से मैं फिर गया इनको अपने पेरेंट्स को लेकर के आया, जो पेपर वगैरह जो नहीं थे बोल रहे हैं कि पहले एंटीजन टेस्ट होगा फिर बाद में इनको वैक्सीनेशन होगा। तो जैसा कि आपने देखा था कि बाहर में जो हेल्थ वर्कर काम कर रही थी, जो नर्स थी, जो लोगों की रैपिड टेस्ट कर रही थी, अत्यधिक गर्मी की वजह से क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं थी वहाँ पे, और पीपी किट पहनकर इस प्रचंड गर्मी में काम करना हेल्थ वर्कर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये लोग अपने काम में लगातार लगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें भी काफी परेशानियां हो रही है। और हमारे साथ जो बाहर में रैपिड टेस्ट जो करी थी वो आज बेहोश हो गई थी, आइए उनसे जानते हैं कि क्या तकलीफ हुई और क्या मैसेज देना चाहिए। आप बताइए कि आज आप बाहर में बेहोश हुई थी, क्या परेशानी हो गई थी आपको? वहाँ पंखा नहीं थी जिसके वजह से गर्मी, पीपी किट पहनने के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना भी काफ़ी बह जाती है, जिससे चक्कर मार के हम गिर गए। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग आज आए हैं उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना, परेशानियाँ हो रही, क्योंकि इतनी प्रचंड गर्मी है, ऐसे में इतने देर इंतजार करना, यहाँ पे ना पंखे की व्यवस्था ना कुर्सी की। तो आइए विस्तार से जानते हैं यहाँ के कार्यकारिणी सदस्य उनसे कि आखिर क्या वजह है और कब तक इस पे काम किया जाएगा। बताइए कि लोगों का कंप्लेन आ रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है, तो क्या कुछ करेंगे आगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये पहले सदर अस्पताल में कैंप चल रहा था, जो कि व्यवस्थित रूप से सारी सुविधाएँ वहाँ पर थी। ऑल ऑफ अ सडन हमारे को यहाँ पे वैक्सीनेशन का जिम्मा दिया गया, जिसमें कि पहले सिर्फ वैक्सीनेशन करने के लिए ही कहा गया था, लेकिन तो कुछ कोरोना के पेशेंट्स भी थे, बिना जांच के लोग आ रहे थे, तो सावधानी के लिए पहले कोरोना जांच करने का शिविर लगाया गया, और उसके बाद जांच उपरांत ही उनको अंदर बुलाने के लिए, जहाँ पे वैक्सीनेशन टीकाकरण चल रहा है वहाँ आने के लिए उनको कहा गया। तो अभी क्या है कि रातों रात अभी जनरेटर मंगवाया गया था, लेकिन किसी भी कारणवश वो जनरेटर चला और चल के बंद हो गया। तो हो सकता है पंखे, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत गर्मी है तो पब्लिक को तो परेशानी हो रही है, लेकिन पब्लिक की परेशानी से ज़्यादा परेशानी हमारे मेडिकल स्टाफ को है, जो कि पीपी किट वगैरह पहन के लगातार 4-4 घंटे से ड्यूटी दे रहे हैं हम लोग खुद, और पब्लिक जो है थोड़ी सी पैनिक हो जाती है, बात नहीं समझ रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना चाह रहे, उनके आगे हाथ जोड़ के या रिक्वेस्ट करके भी कहने के बाद लोग समझ नहीं रहे हैं।